अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अक्सर दोस्त अतर से परफ्यूम बनाने का तरीका पूछते हैं। इस पर काफ़ी वीडियोस भी मैंने बनाई हैं पहले भी, लेकिन आज एक बार फिर आप दोस्तों के लिए मैं अतर से परफ्यूम बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। असल में ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये आप कर सकते हैं, अपने घर में ख़ुद भी ये कर सकते हैं आप, इतनी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यह है कि इसके लिए आपके पास बिल्कुल 96% इथेनॉल होनी चाहिए। आपके पास 96% इथेनॉल हो, वो भी अगर सिग्मा की हो और उसमें स्मेल ना हो तो बेहतरीन चीज़ भी होगी फिर इंशाल्लाह। सिग्मा की या किसी और मार्क की भी ठीक है, लेकिन उसमें स्मेल ना हो। अगर स्मेल हो तो फिर उससे परफ्यूम ख़राब हो जाती है, और स्मेल अगर हल्की सी स्मेल हो तो वो आप कैसे उसे हटा सकते हैं, उससे वो जो अल्कोहलिक स्मेल होती है, उसके लिए ग्लेक्सोलाइड, सेंडिनॉल ये आप डालकर उसकी स्मेल आप ख़त्म कर सकते हैं। डीपीजी भी आप थोड़ी सी मकदार उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ग्लेक्सोलाइड जो है इससे इथेनॉल की जो स्मेल होती है वो अल्कोहलिक, वो आप उससे ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 ml कि अगर कोई 1 लीटर जो है 1 लीटर इथेनॉल में से आप 100 ml हटा दें, और 100 ml की जो वो है उसकी बजाय आप उसमें ख़ास मकदार, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें 50 ml उसमें आप डिस्टिल वाटर कर दें, 25 ml इसमें आप ग्लेक्सोलाइड कर दें, या डायरेक्ट 50 ml भी आप ग्लेक्सोलाइड उसमें डाल सकते हैं। डायरेक्ट आप 50 ml ग्लेक्सोलाइड डाल दें और 50 ml डिस्टिल वाटर, और उसमें जो है आप वो परफ्यूम अपना बना दें। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं ग्लेक्सोलाइट उसमें परफ्यूम में जो इथाइल अल्कोहल में उसमें स्मेल कम है, स्मेल इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप 25 ml उसमें ग्लेक्सोलाइट कर दें, और 25 ml जो है सेंडिनॉल कर दें, या 25 ml उसमें DPG कर दें, और 25 ml जो है उसमें ग्लेक्सोलाइट कर दें। ये तरीका है। आप स्मेल अगर ज़्यादा है तो आप ग्लेक्सोलाइट मज़ीद भी ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 ml आप डिस्टिल वाटर कर दें, 75 ml आप ग्लेक्सोलाइट कर दें। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं जितना परफ्यूम, जितना इथाइल अल्कोहल में स्मेल है उतनी ज़्यादा आप ग्लेक्सोलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं कि SOE सुपर डाल सकते हैं, तो SOE सुपर ऐसा है कि उसमें स्मेल ज़्यादा होता है, वुडी स्मेल, वुडी अंबरी मस्क की स्मेल उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए आप उसमें वो न डालें। वुडी अंबरी टाइप की जो फ्रेग्रेंसेज होते हैं उसमें आप स्पेसिफिक अगर उसके लिए बना रहे हैं तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन हर परफ्यूम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ग्लेक्सोलाइट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत हल्की होती है, उससे परफ्यूम की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़राब नहीं होगी। तो ये इंशाल्लाह भी हज़ारों वांटेड बनाते हैं परफ्यूम। ये एक दोस्त है, उसका ऑर्डर है, एक दोस्त हैं उसके ऑर्डर है, मैं उसका वो देखता हूँ। 100 ml 50% कंसंट्रेशन के साथ इंशाल्लाह मैं उसके लिए बनाऊँगा। हसन भाई हैं बहावल नगर से, उसके लिए। तो ये 25 आप देख लें यहाँ पे, इसकी वज़न आप कर लें। ये 50% उसको पसंद है, वो कह रहे हैं कि मैं, मेरा काम आउटडोर बोर्ड ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं 50% उसकी डिमांड पे मैं हज़ारों वांटेड की परफ्यूम, इसमें इतना वो काम नहीं है, बस सिर्फ हज़ारों वांटेड की परफ्यूम जो ऑयल मिलता है आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये डाल दें, और इसके बाद मिचेवर, जो प्री मिचेवर इथेनॉल, ताकि उसकी बहुत जल्दी ये मिचेवर हो जाए परफ्यूम, इसमें ग्लेक्सोलाइड और वो जो फार्मूला मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है वो डाल दें, और ये ऑयल, ये अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, हज़ारों वांटेड ऑयल अगर अच्छी कंपनी की हो तो परफ्यूम भी अच्छा बनेगा। तो ये देखे जी, मैंने ये 50% कंसंट्रेशन के साथ उसी की डिमांड, वैसे मैं 40% परफ्यूम में डालता हूँ, 40% कंसंट्रेशन के साथ बनाता हूँ, लेकिन ये 50% है। इसके अलावा यही फिक्सेटिव अक्सर लोग पूछते हैं, तो यही फिक्सेटिव हैं। इथेनॉल में आप ग्लेक्सोलाइट डाल दें, ग्लेक्सोलाइट बेस नोट की जितनी भी नोट्स होते हैं वही फिक्सेटिव होते हैं बेसिकली।
अगर आप, अगर मैं इसमें इसके अलावा भी फिक्सेट हूँ, ये देखे जी ये 100 ml में 50% हो गया, अगर मैं इसमें फिर भी फिक्सेट हो वो कहते हैं कि इसमें डाल दें, तो इसमें मैं फिर भी थोड़ा सा फिक्सेटिव डालता हूँ डायरेक्ट ऑयल में, उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग के लिए हल्की सी ये उसके लिए मैं इसमें डालता हूँ। हालांकि इसमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड पे थोड़ी सी दूसरी फिक्सेटिव है ये, ये देखिए ये टोनालाइड है, ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, मैंने इसको डाइल्यूट किया है टोनालाइड, तो थोड़ी सी हल्की सी मिकदार मैंने इसमें डाल दी है। टोनालाइड जो है उससे परफ्यूम की प्रोजेक्शन थोड़ी हल्की सी ज़्यादा हो जाती है और लास्टिंग, और इसकी एज ए फिक्सेटिव भी काम करता है। फिक्सेटिव इस तरह होता है कि ये परफ्यूम और इथाइल या परफ्यूम कंपाउंड जो होता है उसको सही तरीके से फिक्स कर देते हैं, ये फिक्सेटिव का यही कमाल होता है। उसके बाद उसकी लास्टिंग भी अच्छी होती है और प्रोजेक्शन भी हल्की सी ज़्यादा होती है। मुख्तलिफ फिक्सेटिव की मुख्तलिफ फंक्शंस होती हैं। ये जी अजारो वांटेड का परफ्यूम, ये इसमें एक परफ्यूम कंपाउंड में डालता हूँ, क्योंकि ये तो अब मुख्तलिफ चीज़ों की कंपाउंड हो गई है ना। देखेंगे इसकी बहुत प्यारी खुशबू है, इसमें हल्की सी स्वीट वार्म स्पाइसी फ्रेश टाइप की फ्रेग्रेंस है, बहुत प्यारी खुशबू है, बजाते खुद मुझे बहुत पसंद है ये अजारो वांटेड। इसके बाद इसको पंच करते हैं। क्रैम्पिंग के लिए सबसे पहले आपको ये भी तरीका सिखाता हूँ कि आप एक इसमें दो किस्म के परफ्यूम बॉटल्स होते हैं, एक स्क्यूनिक होता है, दूसरा इजी क्रैम्प होता है। इजी क्रैम्प, एक इजी क्रैम्प वाले जो है वो इस क्रैम्पिंग मशीन से या क्रैम्पिंग टूल से जो है आप उसको पंच करेंगे। तो अभी ये क्रैम्पिंग टूल से हम करते हैं, ये जी क्रैम्पिंग टूल है, ये देखिए जी। सबसे पहले आपको इससे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हटाना पड़ेगा, ताकि ये आप आसानी से इसमें वो कर दें चीज़। ये देखिए ऊपर वाला जो ढक्कन है वो मैंने हटा दिया है, इसे वो स्प्रेयर का जो ढक्कन होता है, ताकि ये सही तरीके से, उसके ऊपर मैं क्लिप रखता हूँ, ये देखिए ये क्लिप ये रख दिया मैंने, और क्रैम्पिंग टूल से मैं इसको क्रैम्प करूंगा अभी। ये देखिए अक्सर दोस्त ये भी पूछते हैं कि इसको कैसे क्रैम्प किया जाता है, तो उसके लिए ये एक वीडियो है, ताकि सबके लिए आसानी हो और आसानी से आप इसे क्रैम्प कर सके। इसके बाद आप ये इस पर डाल दें डायरेक्ट, ये देखिए ये पाइप जो है इसको आप क्रॉस से काट लिया करें, ताकि इसमें हवा यहाँ पे बंद ना हो जाए, तो इसलिए इसको आप क्रॉस से काट लिया करें। ये जी बिल्कुल अजारो वांटेड की परफ्यूम बना दी 100 ml, और ये इंशाल्लाह हसन रजा को कल डिस्पैच होगी। ये देखिए इसके स्प्रेयर भी चेक करते हैं, ये देखिए
जबरदस्त, ये देखिए वुडी स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, स्वीट लेमनी और मुख्तलिफ नोट्स है इसकी, इसमें लेमन है, जिंजर है, लेवेंडर है, इसकी नोट्स में एप्पल है और इसके अलावा कार्डामम है, जिरानियम है, टोंका बीन है, अम्बर वुड है, ये इसकी हेथियन वेटेवर है, इसकी नोट्स में ये चीज़ें शामिल हैं। तो ओवरऑल स्वीट वुडी स्पाइसी फ्रेश टाइप की खुश फ्रेग्रेंस है, अम्बरी अजारो वांटेड, इसमें और भी है अजारो मोस्ट वांटेड भी है, इसमें अजारो वांटेड बाय नाइट भी है हमारे पास, तो ये इसके अलावा भी ये हमारे पास अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये था, ये ख़ास इतना मुश्किल काम नहीं है परफ्यूम बनाना अतर से, अक्सर लोग पूछते हैं बार बार इसके बारे में, हालांकि इस पर वीडियोज़ भी मौजूद हैं और पिछली भी 3-4 वीडियो मैंने इस पर बनाई है कि हाउ टू मेक परफ्यूम फ्रॉम कंसनट्रेटेड ऑयल, तो ये आप बना सकते हैं। और ऑयल भी अक्सर लोग पूछते हैं कौन सी, तो ये आप खुद चेक करेंगे, मुख्तलिफ कंपनियों से आप मंगवा कर वहाँ उसकी ऑयल चेक करके आप उस पर वो, क्योंकि हर सिटी के जो हैं मुख्तलिफ उसकी टेस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल KPK के लोग मुख्तलिफ टाइप की फ्रेगरेंस पसंद करते हैं, लाइट पसंद करेंगे या वो स्ट्रांग पसंद करेंगे, दूसरी सिटी की लोग जो हैं वो स्ट्रांग पसंद नहीं करेंगे, लाइट पसंद करेंगे, तो ये डिफरेंट जो कल्चर हैं उस पर डिपेंड करते हैं इसकी खुशबू। तो इसलिए ये कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी वाली ऑयल हो और परफ्यूम कंपाउंड जिसका मैंने तरीका सिखाया है इसी तरीके से आप इसको बनाए कर, इंशाल्लाह इसकी प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग बेहतरीन होगी। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।